और सुन, क्या हुआ मैडम? कल तूने कैसा पानी दिया, ढक्कन खुला हुआ था उसका, कुछ गिर जाता तो? लेकिन मैडम वो तो मुझे साहब ने बोला था बोतल का ढक्कन खोल के रखने को, आप चाहें तो पूछ सकते हैं उनसे। वो सब मुझे नहीं पता तेरी उनसे क्या बात हुई है, आगे से ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मैडम मैं क्या लेकिन वेकिन, तुझे उस बोतल के पैसे नहीं दूंगी, समझा? मैडम मैडम क्या हुआ? पानी वाला है। क्या हुआ? वो मैडम थोड़े पैसे मिल जाते तो। एक बात बता, तू खारा पानी लेके कहाँ से आता है? तुझे साफ पानी के लिए पैसे देते हैं या खारे पानी के लिए? खारा पानी मैडम? मेरे बोतल से हो ही नहीं सकता मैडम, मैं सारा पानी खुद चेक करता हूँ भरवाने से पहले बोतल्स में। अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ? एक काम कर तू ना, अब से मत आइयो, मैं दूसरा पानी वाला रख लूंगी। अरे नहीं नहीं मैडम, आप ऐसा मत करो मैडम, बड़े मुश्किल से एक एक ग्राहक बना पाता हूँ और अगर वो भी चला गया तो काम कैसे चलेगा मैडम। आप एक काम करो मैडम, आप इस बोतल के भी पैसे मत देना और मैं आपको एकदम नई बोतल भिजवाता हूँ। हाँ ठीक है, फिर एक काम कर, ये वाला भी लिख लियो हिसाब में, अगले महीने पैसे दूंगी। ठीक है? ठीक है मैडम। क्या पानी तो सही नाम है इसका? ए तुम्हें पता नहीं है, ऐसे ट्रीट नहीं करो ना तो सर पे चढ़ते हैं। मैडम मैडम वो जो है 102 में रहते थे, उनका घर 7 दिन से बंद पड़ा है। हाँ वो तो 10 दिन पहले ही चले गए यहाँ से। क्या? लेकिन उनके पास तो मेरे 5,000 रुपए थे, कोई एड्रेस वगैरह है उनका? नहीं मेरे पास तो कोई एड्रेस नहीं है, सॉरी। ठीक है मैडम। क्या हुआ? आओ तुम अंदर आओ। आराम से क्या हुआ बताओ। अरे कुछ नहीं, आज वो मार्केट से आते टाइम पता नहीं कैसे बाइक चलाते चलाते चक्कर आया और मैं वहीं भी होश गया। मुझे डॉक्टर के पास लेके गया और अब घर भी छोड़ने आया। ठीक है साहब, मेम साहब मैं अब चलता हूँ। भैया। जी मैडम। थैंक यू सो मच, आपने हमारी मदद की। मैंने हमेशा आपको इतना परेशान किया, आपके पैसे तक नहीं दिए, आपने फिर भी हमारी मदद की, क्यों? वो मैडम अगर इनकी जगह और कोई होता मैं तब भी मदद करता, और रही बात पैसे की तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा आप आइंदा किसी की मेहनत के पैसे मत मारिएगा, वरना लोगों का मेहनत से भी भरोसा उठ जाएगा। आई एम सो सॉरी भैया, मेरे को अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं आज ही आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। आई एम रियली सॉरी। ठीक है मैडम मैं चलता हूँ अभी। ठीक है सर। If we try to cheat someone by using our power or money, somehow this negativity will come back to us. Try and avoid this. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive.
If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.